हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। सो दोस्तों, आप सबको सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और आज का ये जो ब्लॉग है ना, थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करनी है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आज की डेट में ना एक कॉमन चीज़ हो गया, बालों का झड़ना। जैसे ज्योति काफ़ी झड़ता है, बहुत ज़्यादा झड़ता था, अभी था बोल रहे हैं, है पहले था, अभी था हो चुका है। मैं बताऊंगा आगे क्यों। तो कॉमन चीज़ तो है बालों का झड़ना, और ये कब से हुआ पता है? ये कोविड आने के बाद से ज़्यादा हुआ था। कोविड में जो हम लोग वैक्सीन वगैरह लिए, उसके बाद से ये बाल झड़ने का समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इन्हीं समस्याओं से हम लोग बचने के लिए बहुत सारा चीज हम लोग यूज करते हैं अपने हेयर में, और इसको यूज करते हैं और हम लोग को पता ही नहीं रहता उसमें कितना केमिकल है नहीं है, जिससे हमें फायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। हम और ज्योति एक चीज यूज करते हैं, देसी उपाय। हम लोग दोस्तों एक हेयर ऑयल यूज करते हैं जो कि नेचुरल औषधियों से बना हुआ है, और हम और ज्योति काफी दिनों से यूज कर रहे हैं। ज्योति तो बहुत पहले, मेरे से भी पहले से यूज कर रही थी। अब दोस्तों, जब से हम लोग ये ऑयल यूज कर रहे हैं तब से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला, ग्रोथ भी हुआ है, बाल भी बढ़ा है, झड़ना बंद हो गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये ऑयल बनता कैसे। तो दोस्तों, मैं आप लोग बताना चाहूंगा, ये ऑयल कर्नाटका में हक्की पिक्की समुदाय के लोग बनाया करते हैं। सबसे पहले वो लोग क्या करते थे ना, हंटिंग करके अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन जब से वाइल्ड लाइफ जो ये है एक्ट है वो लगा, रूल लगा, उसके बाद से जो है हंटिंग बैन हो गया। अब हंटिंग बैन हो गया तो भाई पेट तो चलाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों वो लोग क्या करने लगे कि मसाला बनाने लगे, हर्बल ऑयल हो गया, ठीक है, बेंगल्स हो गया, आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह, ये सब बना बना के वो लोग गुजर बसर करते थे। लेकिन मैं बता दूं, ये जो नेचुरल ऑयल वो लोग बनाते थे ना, हेयर ऑयल, ये ऑयल इतना ज्यादा फेमस हो गया क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक था और अच्छा सबको रिजल्ट भी मिल रहा था, जिस वजह से वो ऑयल बहुत ज्यादा फेमस हो गया और बहुत ज्यादा चल पड़ा। ये ऑयल को इस्तेमाल करने से दोस्तों सिर्फ बाल झड़ना बंद नहीं होता है, इससे आपको अच्छा हेयर का ग्रोथ भी मिलता है, ठीक है, डैंड्रफ से भी छुटकारा मिलता है। साथ ही जो कम उम्र में बहुत सारे लोगों का बाल सफेद हो जा रहा है ना, उनके बाल को काला करने में भी ये मदद करता है। और मैं बताना चाहूंगी, मेरे भी कुछ कुछ बाल सफेद हो रहे थे, दो चार बाल देखा था मैंने सफेद हो गया था, और जब से मैं ये ऑयल यूज कर रही हूँ तब से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है, अभी पूरा काला हो गया। अब दोस्तों, ये ऑयल इतना पॉपुलर हो चुका था जिस वजह से लोग इसके पॉपुलरिटी का फायदा उठा करके क्या करते हैं पता है, नकली प्रोडक्ट बना करके सेल कर रहे हैं और इन लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। अब मैंने सोचा क्यों ना इनके ही कम्युनिटी के किसी से बात किया जाए डायरेक्टली, ठीक है, और सच्चाई को बाहर लेकर आ पाए। तब मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद इनके ही कम्युनिटी के एक देविका जी है जिनसे मेरा बात हुआ वीडियो कॉल पे। तो वीडियो कॉल पे इनसे क्या क्या बात हुआ था, चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप लोग भी देखिए। मैम, मुझे ये जानना था जैसे ये ऑयल बनता कैसे है और आप लोग कब से बना रहे हो ये? सर, ये तेल तो 30-40 साल से बनते आ रहा है सर, और इसमें तो 100 से भी ज्यादा जड़ी बूटियां डालकर बनाते हैं। बहुत सारे जड़ी बूटियां जंगल से लेके आते हैं और बहुत सारे जड़ी बूटियां हम उगा भी लेते हैं। जी अभी जैसे कि देखा जा रहा है कि इस ऑयल को लेकर के बहुत ज्यादा फ्रॉड भी हो रहा है, तो जैसे कोई अगर इसको मंगवाना चाहता है तो वो कैसे जानेगा कि कौन सा ऑयल मतलब ओरिजिनल है या फिर फेक है? जी सर, ये पूरा इंडिया में सिर्फ मैसूर कर्नाटका के एक विलेज में तेल बनता है सर, जो अच्छा, पक्षीराजपुरा होता है उस विलेज में तेल बनता है। डायरेक्ट हमारे से कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं या वीडियो कॉल करके भी मंगा सकते हैं। और जो हमारा ऑयल होता है, जड़ी बूटियां भी आपको नजर आएगा सर। ऐसे ही अभी तो बाई वन गेट वन में जो पानी मिलता है, काला पानी, वैसा नहीं रहेगा। ऐसा हमारा जो बॉटल होता है इसमें जड़ी बूटियां भी आपको नजर आएगा सर, तो आप उसमें ओरिजिनल क्या है आप पहचान सकते हैं। तो अभी जैसे ये ऑयल बहुत सारे ई कॉमर्स साइट हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो वगैरह में भी सेल हो रहा है, तो वो ओरिजिनल है या फिर क्या? पर उसमें तो हमारा प्रोडक्ट है ही नहीं, फ्लिपकार्ट वो अमेजोन जो भी आता है हमारा नहीं होता है सर। उसमें उसमें भी अच्छा, तो छोटा छोटा बोतल का ऑयल ही मिल रहा है, हमारा नहीं। अगर इसको कोई ऑर्डर करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? और ऑर्डर करना चाहे तो हमारा खुद के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा खुद का वेबसाइट भी है, हमारे हमारे खुद के वेबसाइट पे भी ऑर्डर दे सकते हैं सर। और जो हमारे बॉटल के ऊपर हमारा जीएसटी रहेगा, जीएसटी वेरीफाई करके भी ऑयल ले सकते हैं, और हमारे बॉटल के ऊपर हमारा जो एड्रेस होता है सब मेंशन रहेगा, फोन नंबर भी रहेगा सर इसी पे। चलिए, मैं नंबर वगैरह सारा स्क्रीन पे डाल दूंगा। बाकी आपसे वीडियो कॉल पे जुड़ के बहुत अच्छा लगा, काफी लोग अवेयर होंगे इस चीज से। अब दोस्तों, वीडियो कॉल में क्या क्या बात हुआ था आप लोगों ने देख ही लिया। फिर मैंने वीडियो कॉल में बात करने के बाद मैंने भी ये ऑयल अभी मंगवाया था और हम लोग फिर उसको बाद यूज करना शुरू कर दिए थे। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इनके नाम से बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है, मतलब नकली प्रोडक्ट भेजा जा रहा है। मेरे मम्मी पापा खुद ये वाला ऑयल देखे थे फिर ऑर्डर किए थे, बट उनको नकली वाला रिसीव हो गया। और ये क्या होता है पता है, वहां से ओरिजिनल प्रोडक्ट भेजा जाता है बट बीच से वो स्कैम होने लगता है, बीच से वो वहाँ पे ऑयल चेंज हो जाता है और फिर नकली तेल आ जाता है हमारे पास। तो वो सब फ्रॉड से बचिए, जो हम लोग डिटेल्स दे रहे हैं वही आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा तो आप लोग को सही प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो कॉल पे बात करके अवेयर करना आप लोगों को जरूरी था ताकि ये स्कैम से भी आप लोग बच पाओ, साथ ही जो इन लोगों के साथ जो नुकसान हो रहा है उससे भी आप लोग बच पाओ, ठीक है, वो भी बच पाए।
अब दोस्तों अगर आप लोग भी ये ऑयल मंगवाना है तो स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिख रहा है, आप इससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही देविका जी से आप भी बात करके ये प्रोडक्ट को घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही इनका इंस्टाग्राम का आईडी और इनका वेबसाइट का लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, जाइए कॉन्टेक्ट कीजिए और आप लोग इस हेयर ऑयल को ऑर्डर कीजिए और यूज कीजिए। बहुत ही अच्छा आप लोग को ग्रोथ भी मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, जैसा कि हम लोगों को मिल रहा है। चलिए आज की इस ब्लॉग को यहीं पेंट कर देते हैं। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।